हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग आए पाचो। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि आईफोन और कैमरे के अंदर किसके ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर होता है। तो कैमरे में यूज़ करूँगा मतलब नॉर्मल लेंस को, और आईफोन में नॉर्मल होगा। हाँ, तो किसका ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर होता है ये आज दिखाऊंगा, ठीक है। चलो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखो। आई होप आज ये वीडियो को पसंद आएगा, ठीक है। तो चलो आज ये वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं किसमें ज़्यादा दम है, कैमरा में या आईफोन में, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारा लेंस है, तो ये नॉर्मल लेंस है, तो इसे लगाऊंगा मैं और कैमरा में दिखाऊंगा। देख सकते हो ये वाली लेंस। तो चलो आप दिखाते हैं कि ये लगा के हमारा कैसा ब्लर देती है, ठीक है। तो चलो किसी ऑब्जेक्ट में फोकस करते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमने कैमरा सेट कर लिया, तो यहाँ पर पीछे देख सकते हो क्यूब को रखा हमने, तो इस पर हम फोकस करने वाले हैं और दिखाऊंगा कितना ब्लर होता है। और इसका जो लेंस है ये नॉर्मल, मतलब इसमें जो सेट होता है एकदम नॉर्मल लेंस, कोई भी ब्लर बैकग्राउंड का लेंस नहीं है, सिर्फ जूम होता है और कुछ नहीं है, ब्लर ज़्यादा होता नहीं है। तो बस इसका जो नॉर्मल है ये दिखाऊंगा, नॉर्मल मतलब आईफोन से दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जूम कर लेते हैं और यहाँ पर जो फुटेज आ रही है यह पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देख सकते हो तो थोड़ा थोड़ा ब्लर अभी आ रही है इसमें। तो चलो अब ये है फुटेज हमारा फाइनली DSLR का, देख सकते हो तो कितना अच्छा आ रही है। देख सकते हो मतलब बैकग्राउंड भी थोड़ा थोड़ा ब्लर है, तो एकदम नॉर्मल लेंस का है ये, तो इस तरीके का कुछ आ रही है। तो चलो अब देखते हैं मोबाइल में कि कितना बैकग्राउंड ब्लर मिलते हैं। तो आईफोन 12 का मोबाइल का जो कैमरा है इसे ओपन कर लिया, तो देख सकते हो ये नॉर्मल कैमरा का लेंस, तो सॉरी लेंस नहीं कैमरा है। तो चलो अब जूम करते थोड़ा सा, तो यहाँ पर देख सकते हो जूम करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंद ब्लर है वो थोड़ा सा बढ़ रही है। तो जूम करने से मतलब पीछे का जो चीज़ है वो थोड़ा सा ब्लर ज़्यादा हो रही है हमारा। तो देख सकते हो हमारा हाथ में है ऑब्जेक्ट, तो कितना अच्छा मतलब शूट आ रही है। देख सकते हो क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और बैकग्राउंड भी ब्लर हो रही है। तो हमारा देखना ये था कि बैकग्राउंड ब्लर किस में ज़्यादा अच्छी आ रही है, मतलब नॉर्मल कैमरा में या हमारा फ़ोन में। तो देख सकते हो, तो एक बार टच कर लेता हूँ उस ऑब्जेक्ट पर, तो देख सकते हो टच करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड ब्लर है कितना अच्छा रही है। तो चलो जूम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 3x तक, तो देख सकते हो कितना अच्छा मतलब बैकग्राउंड ब्लर दे रही है। तो देख सकते हो ये नॉर्मल कैमरा का जो बैकग्राउंड ब्लर है ये है। तो चलो दोस्तों अब फाइनल फुटेज देखता हूँ। तो ये देख सकते हो हमारा कैमरा का मतलब मोबाइल का कैमरा का फुटेज है आईफोन 12 का, तो कुछ इस तरह का ब्लर आ रही है और वीडियो क्वालिटी देख सकते हो कितना अच्छा आ रही है। तो ब्लर के साथ वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रही है हमें। और यहाँ पर देख सकते हो ये है हमारा कैमरा का फुटेज, जिसमें भी थोड़ा सा ब्लर अभी आ रही है। तो मेरे ख्याल से देख सकते हो कैमरा में थोड़ा सा बेटर आ रही है हमारा बैकग्राउंड ब्लर। तो आप लोग कमेंट करके बताओ किसमें ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर आ रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।